क्या क्या इसके अंदर पार्ट है क्या नहीं। तो खुल रहे हैं रमन आए हुए मेरे साथ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर है दो चार्जर, सॉरी दो चार्जर नहीं, एक चार्जर है ये, लेकिन दो हैं, क्या है क्या नहीं मुझे तो पता भी नहीं, इसका ज्ञान नहीं है। और इसके अंदर जो दो बैटरी होती हैं जो इससे कनेक्ट होती हैं, अगर मान लीजिए एक बैटरी राम में ख़त्म हो जाती है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। ये स्विच रहा और ये दूसरी का स्विच रहा, तो ये ऐसे है। तो मैं आप इसको और इसकी सीट है जो ये रही। राम राम जी, नमस्कार, और क्या हाल आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत करते हैं आज फिर आपका छोटा सा और प्यारा सा व्लॉग में। तो आप सबको एक सूचना देनी थी। तो आपको पता है कि हमारे है इलेक्ट्रिशियन स्कूटी, क्योंकि हम बुलेट तो ले नहीं सकते, आपको पता है कि इतनी मतलब काफ़ी कम आई है, लेकिन हम आपको शो नहीं कर सकते क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा जो हम मतलब की स्कूटी लेके आए हैं, कैसी है कैसी नहीं, और आज के टाइम में जो मतलब कि क्रेज चला हुआ है इलेक्ट्रिशियन स्कूटी का। तो चलो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिशियन स्कूटी। तो गाइज, आज हम आए हुए थे हमारे दोस्त के दीपक, हमारा एक दोस्त दीप, जिसकी मतलब कि कुछ दिन पहला मतलब कि शादी थी, आपको पता ही है हम शादी में गए भी थे, और मैंने उसका मतलब के पास ब्लॉग भी डाला था, आप देखे होगा। तो ये अपना भाई दीप प्योर के आपको दिख रहे हैं, जो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है और जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है, ये भाई के खेत हैं। और मतलब कि अभी तो मतलब भाई मतलब जो कि खेत बाने लग रहे हैं, और ये आगे हमारा गांव आपको दिख रहा होगा, गुरुदास मंदिर और भोलेनाथ का मंदिर। तो जो जिस चीज़ के लिए मैंने आज ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो मैं आपको उससे रिलेटिव बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ स्कूटी। तो ये वो स्कूटी है जो हमने मतलब कि कल ही मतलब जनसीमित ले कर आए हैं। तो मैं अब इसके जो फीचर अंदर से वो दिखाता हूँ, कैसे हैं कैसे नहीं। तो दोस्तों, ये स्कूटी है, देख सकते हो आप कैसे मतलब कि इसकी जो एवरेज है 60 किलोमीटर की रहेगी, और ये हमें पड़ी है पूरी 55,000 रुपये की। और सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये स्टार्ट होती है, और इसका मीटर जो यहाँ से आता है, तो आपको दिख रहे होगे जो ये है, ये इसकी बैटरी फुल है, और यहाँ पर आता है किलोमीटर कि आपने एक दिन में कितने किलोमीटर चलाई है, और यहाँ पर इसकी रेस आती है। अगर आप ऐसे ही खड़े रहोगे, अगर मान लें कोई बच्चा वगैरह या फिर कोई भी अगर इसको घुमा देता है, तो ये चल जाती है, क्योंकि इसकी जो रेस होती है हाथ में ही होती है। और ये जो है इसकी साइड में है, ये दो हैं ब्रेक। तो आप देख सकते हो मतलब कि दो जने इस पर कंफर्टेबल होकर चल सकते, बैठ सकते हैं। और मतलब कि लोकल होती है, ऐसे नहीं है कि मतलब सारा दिन दबाए फिर जाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ लोकल होती है, जैसे मतलब कि घर के छोटे मोटे काम। तो इसके आप टायर देख सकते हो कैसे बिल्कुल नए पड़े हैं, और मतलब अभी हम खेत में आए हुए, तो इस करके मतलब थोड़ी दस गई है, क्योंकि वो लोग तो मुझे कल बनाना था, फिर टाइम नहीं लगा, तो इसलिए मैंने आज बनाया है का जो कि क्या क्या इसके अंदर पार्ट है क्या नहीं। तो खुल रहे हैं रमन आए हुए मेरे साथ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर है दो चार्जर, सॉरी दो चार्जर नहीं, एक चार्जर है ये, लेकिन दो हैं, क्या है क्या नहीं मुझे तो पता भी नहीं, इसका ज्ञान नहीं है। और इसके अंदर जो दो बैटरी होती हैं जो इससे कनेक्ट होती हैं, अगर मान लीजिए एक बैटरी राम में ख़त्म हो जाती है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। ये स्विच रहा और ये दूसरी का स्विच रहा, तो ये ऐसे है। तो मैं आप इसको और इसकी सीट है जो ये रही, बिल्कुल मतलब एक बार बैठने के बाद बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस होता है। तो मैं आपको एक बार इसके चारों तरफ की दिखा देता हूँ। इस पर कोई मतलब नंबर वगैरह तो आपको पता होता नहीं है, हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम बाइक चलाते हैं उस पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है हेलमेट की, तो ताकि चोट चाट से हम बच कर रहे, और वैसे भी धूल मिट्टी जगह ज़्यादा होती है तो उससे हम बच कर रहे। और ये इसके जो मतलब तो इसके ये सोकर होते हैं, आप देख सकते हो, और ये इसके टायर हैं, और इसका जो तो ये इसका मतलब गार्डर वगैरह है, बिल्कुल नए टायर पड़े हैं, कच्चे टायर, वाटर वो हैं, ये कौन से हो रहे हैं वहाँ, ट्यूबलेस टायर हैं ये। तो आप देख सकते हो मतलब कि इसके आगे सिलेंडर बिल्कुल आसानी से आ सकता है, और जिसकी चाबी इस पर लिख मतलब कि सब कुछ है, बोलती भी है ये, अगर मान लें अंदर कोई बच्चा मतलब हाथ वगैरह लगा दे बाहर खड़ी को। तो गाइस, इसके अंदर एक और नया फीचर आ गया है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो फीचर है ये जो आपको ये बटन दिख रहा है, और यहाँ से हम जैसे कि डाटा केबल लगा सकते हैं, मोबाइल चार्ज मोबाइल पावर होता है उसको हम चार्ज लगा सकते हैं, और ये आगे से ऐसी है। तो ये 3 से 4 कंडीशन के अंदर आती है, जैसे एक 80 किलोमीटर की आती है, और एक आती है 100 किलोमीटर की, और एक आती है 60 किलोमीटर की, 60 से 55 की। तो हम जो 60 से 55 वाली है वो लेके आए हैं, तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर कोई नंबर वगैरह तो नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन होती है, बिजली से स्टार्ट चार्ज होती है, और इसके मालिक का जो उनका कहना है कि इनके जो मालिक हैं उनका कहना है कि अभी है जो इसका क्रेज़ चला हुआ है, और सबसे ज़्यादा है कि हर मतलब कि हर मंथ है जो ये 40 से 50 स्कूटियाँ जो बिकती हैं। गाइज, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, कभी आप मालिक का मतलब ये नहीं है, मालिक जैसे तो मालिक मैं हूँ इसका,
मालिक मतलब जो कंपनी वाला जिसे मैं स्कूटी लेकर आया हूँ, और उसका ये भी कहना था कि आप यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आप किसी चीज़ का काम करते हो या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप इसके अंदर मतलब इसके ऊपर आपकी या जो मतलब कि नेम प्लेट लगा सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है, कोई किसी तरह की मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। और डिपर वगैरह इसके बिल्कुल मतलब मोटरसाइकिल वाला है, जो जैसे मोटरसाइकिल होता है वैसे ही है। और ये साइड में मतलब कि स्टील की दी हुई है, अगर मान ले बाई चांस बच्चे से गिर जाती है, आप पे से गिर जाती है, तो बचने के लिए ताकि चोट फेट वगैरह ना लगे। और जो इसका हैंडल है ऐसे मतलब घूमता है, क्योंकि आगे हैंडल घूमता है और ये नहीं घूमता इसका। आपने देखो मोटरसाइकिल का तो सभी घूमता है, और जैसे कि स्कूटी हम लेते हैं उसका भी सारा घूमता है। और यहाँ से ये इसका चाबी लॉक है जिससे हम मतलब कि खोलते हैं। तो अभी रह गया इसका मेन सिस्टम जो कि मतलब बताने वाला हूँ अब, है इसकी बारी चार्ज की, जहाँ से हम इसको चार्ज लगाते हैं। तो गाइस ये है इसका चार्ज लगाने का तरीका, ये यहाँ से मतलब कि जहाँ पर हम बैठते हैं गद्दी के नीचे, तो यहाँ से इसको चार्ज लगाते हैं, यहाँ पर चार्ज लगाकर और इसको मतलब कि बिजली से कनेक्ट किया जाता है। हमारे घरों में बोर्ड वगैरह होते हैं, उसके अंदर लगा दीजिए, 15 से 20 मिनट के अंदर मतलब कि फुल चार्ज हो जाएगी। या दो जने के लिए बिल्कुल ठीक है, अगर 3 जने चलाओगे तो बहुत मतलब कि थोड़ी बैटरी ख़त्म होगी और अपने जल्दी पलटानी पड़ेगी। तो मतलब कि इसके कंपनी वाले का कहना है कि मतलब 1 साल तो कम से कम मतलब बैटरी पलटाने की जरूरत नहीं है, सही चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वो मतलब स्कूटी है, तो आप देख सकते हो पीछे से भी बिल्कुल मतलब बढ़िया। वैसे तो लेडीज़ के लिए ठीक होती है, मतलब लड़कियाँ वगैरह चलाती हैं इसके लिए ठीक होती है। कंपनी का कहना है कि आप इस पर ज़्यादा बोझ नहीं ले सकते, और खेतों में भी मतलब नहीं लेकर जाएं, क्योंकि अगर खड्डे हो गए तो ये जो प्लास्टिक है, नॉर्मल प्लास्टिक होती है, हमें वैसे दिख रही है मतलब कि साफ़ सफाई में, जैसे कि अब तो बिल्कुल साफ़ सफाई में जो इसकी प्लास्टिक होती है नाजुक होती है, और जल्दी मतलब कि हम खड्डे वगैरह में ले जाएंगे तो वह टूट जाएंगे। तो ये स्कूटी थी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखो मैं जो भी ब्लॉग डालता हूँ आप उसके कमेंट में ज़रूर बताया करो कोई चीज़ कैसी है कैसी नहीं। तो गाइस दिख गई हो आपकी, अब प्लीज़ अगर कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस जब भी आप देख रहे हो कि मैंने जो स्कूटी चलानी स्टार्ट कर दी, आप देख रहे हो कि हम जा रहे हैं इस स्कूटी से अपने घर, जो कि हम वीडियो बनाने के लिए आए थे। और आपने देख भी लिया है पूरी की पूरी वीडियो का, जो ब्लॉग मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर डाल दिया है। अगर आपको मेरी स्कूटी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे बताना कमेंट में कि वीडियो जो हमारी स्कूटी है कैसी नहीं। ठीक है गाइस, बाय बाय। गाइस जो मैं स्कूटी लेके आया मैंने आपको दिखा दिया, अगर मेरी स्कूटी आप लोगों को पसंद आई हो या फिर इसके अंदर कोई कमी आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और जो आज का ब्लॉग था मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन घंटी को ऑन पर करें, ताकि मैं आगे से कोई भी ब्लॉग डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ठीक है गाइस, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हरियाणा।